बीनु, तुम थक गए होगे, अंदर जाके आराम करो। आओ। साईं, बीनू जिस तरह से आपकी बात मान रहा है, ऐसा लग रहा है मानो आप ही उसके बाबा हो। मुझे मेरे गुनाहों की जो सजा मिले अब मुझे डर नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है साईं कि बीनू के सर पे आपका हाथ। तुम्हारी परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हें सजा देने की इच्छा नहीं है। जिस दिन मुझे मेरे साई बाबा मिले, उस दिन एक मासूम बच्चे को उसके पिता से दूर करना लेकिन मैं मजबूर हूं। जोशी जी, दोषी को सजा उसे सुधारने के लिए दी जाती है ना। कोंडिबा ने अपना सबक सीख लिया है, उसने जिससे भी गहने चुराए हैं वो वापस भी कर दिए जाएंगे। तो जोशी जी, ऐसी हालत में क्या कोंडिबा की सजा माफ नहीं की जा सकती? कोंडिबा के पास दो रास्ते हैं। या तो 1 साल कारावास या 100 रुपए की जमानत। यदि 100 रुपए मेरे पास होते तो मैं चोरी ही क्यों करता? आई तो बाबा 1 साल तक घर नहीं आ पाएंगे। नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा आज ही घर आएंगे। जोशी जी, जमानत के 100 रुपए मैं दे देता हूं। नहीं नाना, इसकी जमानत का इंतजाम तो मालिक ने खुद कर रखा है। इन पंछियों से ज्यादा आजाद कौन है? यही तुम्हारी आजादी की उड़ान है। सही, मैं कुछ समझा नहीं। यह अवश्य साई का संकेत है। साई चाहते हैं कि हम इन पंछियों का पीछा करें। चलिए चलिए। बाबा 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 बाबा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास ही आएंगे। थोड़ा सा इंतजार करो। साई, हम इसे अपने साथ ही ले जाते हैं, क्या आपको परेशान कर देगा? हमेशा तो ये आई बाबा की छाया में छिपकर नहीं रह सकता ना, किसी दिन तो धूप में आना ही पड़ेगा। आप जाइए। बाबा मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। तुम्हारे आई बाबा थोड़ी ही देर में आ रहे हैं, तब तक तुम आराम करो।
ये चिड़िया तो यहां रुक गई। साहब, यहां पर तो साई ने सारे समन गढ़वाए थे। यहां? लेकिन क्यों? साई लीला, आप यहां खोद के देखिए, उत्तर मिल जाएगा। महिमा मेरे साई कौन जान पाया।
लिफाफा इतना भारी क्यों है? जोशी जी पूरे 100 रुपए हैं, कोंडीबा की जमानत के पैसे। ये लीजिए। इन पंछियों ने तुम्हें आजादी का मार्ग दिखा दिया। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है, झूठी राह पे क्यों गणपत पूजिए है, इसे रिहा करो। काले धंधे विष के वृक्ष है जानलेवा, अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हर का नाम। हरे कृष्ण अब समझ आया। हरे कृष्ण हरे राम। साई ने ये समन्स यहाँ इसलिए नहीं गड़वाए कि वो कानून की उपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि कोंडीबा यहाँ आए और नाना जोशी जी यहाँ आए और साईं दोनों की मदद कर सके। साईं, आज मुझे इन बच्चों के साथ खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है साई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने मुझे ठीक कर दिया। साई मैं चाहता हूँ कि मेरा आई बाबा लौटे और मुझे इस ठीक हालत में देखे। साई वो तुम्हें देख रहे हैं बेटा। आई Thank you.
आपकी लीलाओं को कोटि-कोटि प्रणाम साईं। एक पुत्र को उसके पिता से मिलाना रामजी का आदेश था, पालन तो करना ही था। अल्लाह मालिक, राम जी भला करें। तुम्हारी बहन तुम्हें हिम्मत दे रही है, यकीन दिला रही है कि जैसे ये उड़ सकी वैसे ही तुम भी उड़ सकते हो। इसकी बात पे भरोसा रखो। तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ति हो। रामजी तुम्हारे प्रेम की रक्षा करें। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। रामजी भला करें। कैसे हो श्रीकांत? आपकी छत्र छाया में सब सुखी हैं। मैं पाठशाला जा रहा हूं। कैसी चल रही है पाठशाला? आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है साईं। इस बार पाठशाला में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत मेहनती भी हैं, बुद्धिमान भी, और पाठशाला का नाम रोशन करेंगे। खासकर की चौथी कक्षा में एक लड़का है अशोक। उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, उसकी लगन देखकर ऐसा लगता है कि इस साल की चौथी की परीक्षा नतीजे में वो ना केवल पाठशाला में बल्कि पूरे जिले में अव्वल आएगा। उसकी मेहनत को अपनी मदद से पोषित करते रहना श्रीकांत। रामजी सब अच्छा करेंगे। मैं चलता हूं। इन्हें देख के हमें अपना बचपन याद आता है ना? हाँ तात्या, साईं कहते हैं बच्चों की खुशी भरी हंसी सृष्टि का सबसे मधुर संगीत है। आज तेरे मौजी बंधन की रस्म में थी ना? हाँ पूरी हो गई। अरे देखो
बाबा ने क्या दिया है? असली सोने की है। आई कह रही थी कि मैं इसके लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन बाबा ने कहा छोटा बड़ा क्या होता है। मेरा बेटा पूरी शिरडी में सबसे खास है, उसको सबसे अलग दिखना चाहिए। बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी। आई बता रही थी शिरडी में कई लोग इतना एक साल में भी नहीं कमाते होंगे, इतनी महंगी है। सोने की है ना, ये तो प्रहलाद के पास भी है। पर इसकी पतली थी, मेरी ज्यादा मोटी, ज्यादा बड़ी और ज्यादा पैसों की है। एक बार मैं पहन के देख सकता हूँ? पागल है क्या? देख तेरे हाथ कितने गंदे, तू खराब कर देगा इसे। इतना ही शौक है तो खुद खरीद लेना अपने लिए। गोपी ऐसा नहीं बोलते, तुम जानते हो ना सब इतनी महंगी मालाएं नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं चेतन, तुम मेरी माला पहन लो। मैंने तो प्रहलाद, मैं ऐसे ही मांग रहा था। प्रणाम साई। क्या हुआ साई, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे? चेतन चलो ना खेलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, मुझे बस थोड़ी देर बैठना है, तुम सब खेलो। पेड़ से अमरूद तोड़ के लाए, चेतन को अमरूद बहुत अच्छे लगते, शायद वो खुश हो जाए। ठीक है, अच्छा है। इतना ही शौक है तो खुद खरीद लेना अपने लिए। तुम्हारी माला सोने की होगी तो होगी, मैं अपनी माला खुद बना के पहनूंगा।
पता भी है चेतन, कितना खतरनाक काम करने जा रहे थे तुम। माफ कीजिएगा साईं, हम काम में लगे हुए थे, बच्चों पर ध्यान ही नहीं था कुछ देर से। हाँ साईं। गोपी सोने की माला पहन के आया था, मैंने एक बार पहनकर देखने के लिए मांगी तो मना कर दिया, बोला अपनी लेके आओ। साईं मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है तो मैंने इस रस्सी से माला बना ली। माला नहीं, फांसी का फंदा होने वाली थी, तुम्हारे गले में अटक जाती तो। चेतन, किसी और के गले की माला देखकर खुद के गले में रस्सी डाल लेना बहुत बड़ी नासमझी है। राम जी ने जो दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, उसके हिसाब से रहना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से उसे बढ़ाना चाहिए। बड़प्पन, दिखावे और बराबरी की जिद अक्सर हमें मुश्किलों की खाई में डाल देती है। हम चेतन को खुश करने के लिए ये अमरूद लाए हैं। मुझे खुशी है कि तुम सब अपने दोस्त की खुशी का इतना ख्याल रखते हो। गोपी, हमें कोई भी अच्छी चीज मिले तो उसकी खुशी जरूर जाहिर करनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार पालना गलत है। उसकी वजह से किसी का दिल दुखाना गलत है, क्योंकि देने वाला तो मालिक है, हम बस उसकी कृपा बटोर रहे हैं। ईश्वर जब भी हम पे कृपा करे तो हमारा ये फर्ज होता है कि हम दूसरों से खुशियां बांटे, और अगर नहीं बांट सकते तो कम से कम किसी का दिल ना दुखाएं। मना करने के कई तरीके हो सकते हैं जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। हाँ साई, मैंने गलत किया, अब से नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे चेतन। ठीक है। चेतन ये लो मेरी माला। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.